So today, आज केस टेकिंग का सातवां लेक्चर है. मोस्टली आप अपने लिए एक केस टेकिंग का फॉर्म, केस टेकिंग का पैटर्न, केस टेकिंग का एक फॉर्मेट या तो अपने माइंड में बना लें, और या जब तक वो आपके अंदर अपने आप उतर नहीं जाता है तब तक उसको अपने पास अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, अपने डेस्क पे लिखित फॉर्म में जैसा भी चाहें उसको रखें. आप मेन मुद्दा जो है वो काम होने से है. तो उसको किस तरीके से बनाना है हर कोई अपने अपने हिसाब से बनाता है. इसके बारे में बहुत इनफ अपन ने बात कर ली, काफी बातें कर ली. अब जो जरूरी है कल से, यानी कि लास्ट लेक्चर से जो अपन बात कर रहे हैं, बहुत अपने जो जितने भी बड़े बड़े महान डॉक्टर्स हुए हैं उनके अनुभवों में से और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस में से ऐसी जरूरी बातें, बहुत जरूरी सजेशन, बहुत जरूरी सुझाव सारे अपन बात करेंगे जो कि आपको लाइफ टाइम, जिंदगी भर केस टेकिंग में काम आएंगे. कब कौन सी चीज कहां काम आ जाए, और जब जो भी अपना फॉर्मेट आप बनाओ, जहां पे भी बनाओ, उसको एक रट्टू तोते जैसे याद करने की कोशिश मत करना, खाली उसकी प्रैक्टिस करना, खाली उसकी प्रैक्टिस करना. कुछ भी बना लेना, कैसा भी बना लेना. शुरुआती शायद केस टेकिंग के उसमें मैंने लेक्चर्स में एक श्लोक जैसा भी बताया था, आप अपने हिसाब से जैसा भी बना सकते हैं उसको. ठीक, तो बहुत ही, और हाँ, और एक चीज का ध्यान रखना कि माइंड की जो ओरिजिनल ट्रेनिंग होती है, एक्चुअल ट्रेनिंग जो होती है, मैंने हमेशा कहता हूं कि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने सक्सेस जो है इस चीज पे रखी नहीं है कि आप कितने चालाक हो, कितने इंटेलिजेंट हो. ईश्वर ने किस चीज में रखी सक्सेस? परसीवरेंस, रिपीटेड एक्सपोजर, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना. और रिपीटेड एक्सपोजर एक ऐसी चीज है कि चीजें कैसे आपके अंदर जाके समा जाती हैं, कब घुस जाती हैं आपको पता नहीं चल पाता है. यहां कुरान इतना मोटा है, इतनी मोटी बुक होती है, और यहां ताजुल मस्जिद में, मदरसों में इतने छोटे छोटे से बच्चे, उनको कंठस्थ याद है कहां कौन सा नाम लो कि हाँ यार फलाना सूरा या फलाना सूत्र में फलाने चीज बताओ, तो वो पूरा बता देते हैं. और उनसे पूछो कि बेटा कब याद किया तूने, बोले ये कभी नहीं किया याद तो मैंने, बस रोज सुबह उठ के दोहराते रहते थे, रोज सुबह उठ के दोहराते रहते थे. ये कब हमारे अंदर उतर गया ये हमको नहीं पता चलता. ये कब पता चलेगा मालूम है? जब, जैसे कि आप इन लेक्चर्स को एक्सपोज हो रहे हो, बार बार एक्सपोज हो गए, बार बार एक्सपोज हो गए, बार बार अपनी रिपर्टरीज खोलोगे, बार बार अपनी मटेरियल मेडिकल खोलोगे और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, तो ये कब आपके अंदर समा जाएगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आपके सामने सिचुएशन आएगी और आपके कंप्यूटर से अपने आप चीज निकल के आती है. माइंड में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस आपको होगा. लोग बाग कहते ना कि पढ़ाई लिखाई कभी बर्बाद नहीं जाती है, इसका एक्सपीरियंस आप लोग कई बार कर चुके होंगे कि कौन सी चीज कब कहां पे काम आ गई. और वो तभी काम आई जब आप उससे एक्सपोज हो चुके थे. अगर आप उससे कभी एक्सपोज ही नहीं हुए हैं, कभी उसके संपर्क में नहीं आए हैं, कभी आपने एक्सपोजर दिया ही नहीं है आपने, तो फिर वो कैसे याद आएगी आपको? वो तो आपके सामने से गुजर जाएगी और आप उसको पहचान नहीं पाओगे. ठीक, इसलिए
अपना एंटरटेनमेंट, एक होम्योपैथ का एंटरटेनमेंट क्या होता है, और ये लाइफ टाइम एंटरटेनमेंट है, कभी बोर नहीं होने देने वाला। बाकी चीजों से तो आप बोर भी हो जाओगे, ठीक है, कि जैसे कभी आपने रिपर्टरी आज आधे घंटे का टाइम है तो उसको इधर उधर बर्बाद करने के बजाय मैं आज रिपर्टरी का यूरिन चैप्टर खोल के देखता हूँ, आज फेस एक्सप्रेशंस देखता हूँ कि फेस एक्सप्रेशन से रिलेटेड कैसे हैं, आज मैं ये देखता हूँ, आज मैं वो देखता हूँ। अब चूंकि केस टेकिंग में क्या क्या जरूरी है इसकी अपने को पता चल रहा है, तो उससे क्या क्या टॉपिक्स जरूरी हैं, तो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप अपनी रिपर्टरी में खंगाल लो, मटेरिया मेडिका में देखो। ठीक, सो पहले अपन केस टेकिंग के टाइम पे, इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम के टाइम पे ये बात कर चुके हैं कि कॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्साइटिंग एंड प्रेसिपिटेटिंग कॉज, एक्साइटिंग ऐसा कोई भी कारण जो किसी समस्या को एक्साइट कर दे, पैदा कर दे, या प्रेसिपिटेटिंग, प्रेसिपिटेटिंग मतलब सतह पे ला दे, ऊपर बीमारी दिखने लगे, बाहर निकाल दे, ऐसा कोई भी कारण बीमारी का, एक्साइटिंग एंड प्रेसिपिटेटिंग कॉज ऑफ द इलनेस रैंक्स वेरी हाई इन इंपॉर्टेंस। डॉक्टर फेरिंगटन तो यहां तक कहते हैं, कॉजेस को लेके, कि उनने कहा है कि भले ही सिम्टम्स मैच ना कर रहे हो, लेकिन अगर मेरे पास इंजुरी का केस आता है कि आफ्टर इंजुरी, तो मैं सबसे पहले आर्निका देता हूं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दूसरी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई ऑपरेशन करा के आता है और उसके बाद से उसको कोई दिक्कत हो गई है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टेफिसग्रिया देता हूं, ऐसा डॉक्टर फेरिंगटन कहते हैं। भले सिम्टम्स मैच करें या ना करें, कॉजेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम लोगों को बीच में एक मिसकंसेप्शन हो गया था एक फुटनोट पढ़ के, एलिमेंट्स, ठीक। अब कई लोग कहते हैं मुझसे, कुछ लोगों ने कहा भी है, हमारी ही क्लास से निकले कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर एलिमेंट्स तो प्रूविंग में आते नहीं है, कॉजेस तो कैसे करें अपन इस चीज को। तो होम्योपैथी खाली प्रूविंग तक सीमित नहीं रही है, प्रूविंग तो की गई थी मेडिसिन के पावर को जानने के लिए सिर्फ, लेकिन जब प्रकृति के नियम कायदों को ढूंढकर डॉक्टर हैनीमैन ने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो बहुत सारी चीजें फिर डेवलप हुई, जरूरी चीजें। अब एक बात बताओ, हाउ यू कैन से कि कॉजेशंस पे आप, एलिमेंट्स पे उतना ध्यान नहीं देना है, आप ये कैसे कह सकते हैं जब आप ये जानते हैं कि मेरे ये एक आदमी है, ये दो आदमी है, ये तीन आदमी है, चार आदमी है, ये चारों लोग एक ही एक्सपोजर को एक्सपोज हुए। ये मिसाल के तौर पे मान लो ये चारों लोग गए कहां, चारों लोग बारिश में भीगे, या चारों लोग दिन भर धूप में घूमे, तो एक आदमी को हेडेक पकड़ लिया, एक को तेज जुकाम हो गया, एक हाथ पांव में दर्द पेन इन एक्सट्रीमिटीज विथ फीवर आ गया, एक को कुछ नहीं हुआ, तो ये एक टोटैलिटी बन जाती है, और बड़ी पिक्यूलियर टोटैलिटी बन जाती है आदमी की, कि ये आया कॉज और फलाने आदमी के अंदर से ये आया रिस्पॉन्स, जो कि और किसी में से नहीं आएगा। तो ये घटना जो हुई, कॉज और इफेक्ट, कारण आया कोई भी और इफेक्ट आया, ये एक टोटल एक ऐसा सिम्टम बन जाता है जो ये उस आदमी की पिक्यूलियरिटी के बारे में बता देता है आपको, कि जब इस चीज का कॉम्बिनेशन होता है तो ये चीज पैदा होती है। बात समझ में, मतलब यहां पे कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है कि अपन थ्योरेटिकल कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां पे चीजें एकदम साफ हैं। और कॉज को हर बड़े होम्योपैथ्स ने जितने हुए हैं एलिमेंट्स कॉज, ये बहुत हाई रैंक, मतलब कि इवेल्युएशन अगर आप
लेक्चर सुनेंगे इवेल्यूशन का, इवेल्यूशन ऑफ सिम्टम्स का, तो उसमें मैंने ये बताया है कि सेकंड नंबर पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, कीनोट सिम्टम्स के बाद मैंने कॉज की ही बात की थी। अब ये कॉज कुछ भी हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इसके बारे में पहले अपन बात कर चुके हैं। ठीक, अपन अभी सिर्फ जो अपने महान होम्योपैथ्स हैं उनने जरूरी हिदायतें चीजों को लेके क्या क्या दी हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। कई बार डॉक्टर पी संकरण कहते हैं कि एक्सपीरियंस हमें ये बताता है, एक्सपीरियंस अनुभव हमें ये टीच करता है कि ज्यादातर केसेस में अगर हम बहुत केयरफुल इंटरोगेशन करते हैं, बहुत सावधानी से चीज को पूछते हैं, साथ में फैक्ट्स जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको उसके साथ एसोसिएट करते हैं, मिलाते हैं। पूछा अपन ने, फैक्ट्स को एसोसिएट किया तो जो बेकार दिख रहा था वो निकल गया और जो जरूरी था अपने पास बच गया। और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बहुत केयरफुल्ली किसी का इंटरोगेशन करते हैं, किसी से सवालात पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम एक्साइटिंग कॉज में कई बार अपने आप पहुंच जाते हैं या पहुंचा जा सकता है। कैसे कैसे तो आप ये जानना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा। आपको अभी सिर्फ अपन जरूरी बात कर रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना, एडल्ट्स में ऐसा देखा गया कि एडल्ट्स में आमतौर पे इमोशनल कॉज वेरी कॉमन होते हैं। कॉज कई प्रकार के होते हैं लेकिन एडल्ट्स में यह देखा गया है, ऐसा पता चलता है प्रैक्टिस करते करते, कि एडल्ट्स में इमोशनल कॉज की संभावना ज्यादा होती है। भले ही पेशेंट छुपा रहा हो लेकिन आदमी की कहानी सुन के अपने को समझ में आ सकता है कि ऐसा, आदमी की कहानी सुन के कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ तो दिक्कत है। अचानक से ऐसा थोड़ी ना होता है, अचानक से कोई हंसता खेलता आदमी अचानक से डिप्रेस्ड रहने लगे। और अगर आप इस कॉज की डिस्कवरी कर पाए, भले पेशेंट छुपा रहा है, अपने टैक्ट से, अपने हुनर से अगर आपने इस चीज की डिस्कवरी कर पाए कि पेशेंट क्या छुपा रहा है या क्या इमोशनल कॉज है, तो डॉक्टर सती संकरण बोलते हैं इट वुड बी वेरी रिवार्डिंग। ये आपके लिए एक इनाम मिलने जैसा होता है, बड़ा ईजी हो जाता है केस को सॉल्व करना अगर कोई डेफिनेट कॉज। डॉक्टर बोगर ने तो एक जगह यहां तक कहा है कि मैं तो कॉज पे इतना डिपेंड रहता हूं क्रॉनिक केसेस में या पेशेंट्स का केस सॉल्व करने के टाइम पे, डॉक्टर बोगर ने कहा है कि मैं तो कॉजेस पे इतना डिपेंड रहता हूं कि कई बार अगर कॉजेस नहीं मिलते हैं तो होम्योपैथी का मेडिसिन का चयन जो है वो मुश्किल हो जाता है, उसको चुनना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट जब बात कर रहा हो, सुनो, अपने एक्सपीरियंस्ड फिजिशियंस, अपने एक्सपीरियंस डॉक्टर ये कहते हैं कि पेशेंट जब बात कर रहा हो तो आपको कब शक हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई इमोशनल या कॉज रहेगा, और उसको हम फिर निकालेंगे कैसे। कोई ना कोई इमोशनल कॉज जरूर है, कोई भावनाओं के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे कोई ना कोई कारण जरूर है। ये आपको कब पता लगेगा, जब पेशेंट आपको बताते बताते, जब पेशेंट अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहा है, बताते बताते वो कुछ ऐसा बताए या स्वीकार करे कि हाँ, जैसे आमतौर पर अपन पूछते हैं पेशेंट से, भाई कैसा मूड रहता है आपका, आमतौर पर आपका मूड कैसा रहता है, या उसके अटेंडेंट से अपन ने सवाल किया और अपने को जहां समझ में आया कि नहीं, ये आजकल थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, या वो पेशेंट खुद एडमिट करे कि हाँ डॉक्टर साहब, आजकल पहले से मेरे को ज्यादा गुस्सा आने लगा है। पेशेंट अगर इस तरह की कोई भी बात बताए कि हाँ मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं, हाँ आजकल मेरे को बहुत शक होता है, सस्पिशियस हो गया हूं,
जेलस हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, इम्पेशेंट आजकल रहने लगा हूं, रेस्टलेस बेचैनी रहती है, अफ्रेड एक पता नहीं एक डर सा बना रहता है। पहले मेरे को बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंट रहता था डॉक्टर साहब, लेकिन अब आजकल पता नहीं क्यों एक नर्वसनेस सी आ गई है। जहां पेशेंट इस तरह की आपसे बात करे तो आप तुरंत आपको ये शक हो जाना चाहिए कि जरूर इसके पीछे कोई सदमा, शौक, कोई डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या कोई नेगेटिव या अनहैप्पी एक्सपीरियंस, कोई दुखद घटना, कोई दुखद अनुभव इसके पीछे जरूर है होगा। अगर पेशेंट बताए या ये एडमिट करे या ये स्वीकार करे कि आजकल मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं, आजकल मेरे को बेचैनी रहती है, आजकल मैं थोड़ा नर्वस रहने लगा हूं, आजकल मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, एंड देन क्लोज बहुत ही करीबी और टैक्टफुल क्वेश्चनिंग, अगर बहुत टैक्टफुल आप क्वेश्चनिंग करें तो वो चीज निकल के आ सकती है। और इसमें सबसे ज्यादा मेरे काम आता है, सबसे ज्यादा मेरे काम आता है जब मैं ऐसी कोई चीज अपने पेशेंट से निकालना चाहता हूं, तो डॉक्टर पी शंकरन का एक गाइडेंस मेरे को काम में आता है। डॉक्टर पी शंकरन ने एक जगह कहा है कि ऐसी जगह पे कुछ लीडिंग क्वेश्चंस जरूरी हो जाते हैं, लेकिन लीडिंग क्वेश्चंस भी कैसे, डॉक्टर पी शंकरन कहते हैं कि मैं कभी ऐसा जब भी ऐसा शक होता है सुन के कि जरूर यार इसके पीछे कोई ना कोई इमोशनल कारण है, इमोशनल वजह है, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। आमतौर पर लोग अपने डिसअपॉइंटमेंट, शॉक्स या जिनको लेके वो शर्मिंदा हो रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करते या छुपा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर शंकरन कहते हैं कि जैसे ही मुझे अगर शक हो जाता है, डॉक्टर पी शंकरन कहते हैं कि जरूर इसके पीछे कोई अनहैप्पी एक्सपीरियंस, दुखद अनुभव या कोई डिसअपॉइंटमेंट है या कोई शॉक है, तो मैं क्या करता हूं, सुनो क्या कहते हैं डॉक्टर पी शंकरन कि मैं क्या करता हूं, मैं अंधेरे में तीर चला देता हूं। ये कहते हुए कि आप जो ये सब चीजें बता रहे हैं आमतौर पे इसकी वजह कोई मानसिक परेशानी होती है, तो आपके साथ ऐसा कुछ है क्या? देखो कितनी सिंपल क्वेश्चनिंग है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है निकालना। क्या कहा डॉक्टर पी शंकरन ने कि मैं अंधेरे में तीर चला देता हूं कि आप जो ये सब मुझे बता रहे हैं आमतौर पे इसकी वजह कोई ना कोई मानसिक परेशानी होती है, कोई ना कोई मेंटल अपसेट होता है, तो आपके साथ ऐसा कुछ है क्या? और वो कहते हैं डॉक्टर शंकरन, और मैंने भी यह अनुभव किया है, सरप्राइजिंगली नंबर ऑफ पीपल सेज यस, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, और फिर ऐसे फैक्ट्स निकल के आते हैं जो आपके लिए बहुत काम के हों। तो ये टैक्ट जो है आप याद रखना, ठीक। ये हो गई कॉजेस से रिलेटेड बात, पहले मैंने बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं, अब जो जरूरी और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रह गए हैं कि आप कैसे निकालें, कैसे करें, हमारे जो महान डॉक्टर्स होते थे उनने किस तरीके से ये निकालते थे, ये हमको वो दे के गए हैं, ठीक। अब एक और बहुत जरूरी बात, कॉज से अलग हटके एक बहुत जरूरी बात, हमारे पास जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी सही प्रैक्टिस बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे पेशेंट्स बढ़ते हैं, हमारा काम अच्छा जैसे जैसे होता जाता है वक्त के साथ साथ, तो फिर हमारे पास बड़े केसेस आते हैं, कैंसर, ऐसी पैथोलॉजी वाले केसेस जिसमें आपको सिर्फ पैथोलॉजी ही दिख रही है, कोई ऐसे सिम्टम्स गाइडिंग आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि आप सेलेक्ट कर सको कि यार क्या। अब कैंसर बोले तो आपने देखा कैंसर का रूब्रिक तो आपको ऐसे दिखाई दिया है, इसमें तो क्या काफी सारी रेमेडी है, 50-60 रेमेडी है, अब इसमें से कौन सा दूं मैं, और कोई ऐसा सिम्टम है ही नहीं अपने पास। अगर ऐसा केस आ जाए तो क्या करेंगे,
यहां पे आपको पास्ट हिस्ट्री काम आ सकती है, फैमिली हिस्ट्री काम आ सकती है। फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड भी हमारे पास रिपर्टरी में, जनरलिटीज में काफी सारे रूब्रिक्स हैं। और किस तरह की पास्ट हिस्ट्री? डॉक्टर बोगर, डॉक्टर सीएम बोगर का मतलब समझते हो? डॉक्टर सीएम बोगर बोले तो बहुत बड़ी हस्ती, जबरदस्त डॉक्टर, बेहतरीन टीचर, गजब का वर्क करके गए होंगे, और उनकी सिनॉप्टिक की तो लाजवाब है। अगर आपको बिल्कुल उकर मटेरिया मेडिका की मेडिसिन का बिल्कुल सार ले लेना है, लेकिन वही बोल रहा हूं कि उसको समझने के लिए आपको इतना हनीमैन की ऑर्गनन और इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल सार ले लेना है मेडिसिन का, तो उनकी सिनॉप्टिक की ऑफ मटेरिया मेडिका देखो आप, तो लाजवाब, अद्भुत। जुनूनी लोग, अपने काम में डूबे हुए लोग, जुनूनी लोग, ऐसे लोग बिल्कुल एकदम, जिनको ऊपर वाले ने डॉक्टर बनने के लिए ही पैदा किया था। ठीक, तो डॉक्टर बोगर का क्या कहना है कि क्रॉनिक केस में क्या करते हैं, कैंसर वैंसर टाइप का केस, ऐसा केस अगर आ गया जिसमें कि पैथोलॉजीज हैं और कोई डेफिनेट सिम्टोमेटोलॉजी अपने पास नहीं है, कि हम सेलेक्ट कैसे करें यार? अब मेरे पास एक कैंसर का पेशेंट आया, उसको यहां पे कैंसरस ग्रोथ हो गई थी, इतनी बड़ी, ऐसे बिल्कुल फूल गोभी टाइप की, ये इतना बड़ा इधर, और इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं थे। क्या करेंगे? तो डॉक्टर बोगर क्या किया करते थे, वो करना, तो उससे आपको सफलता मिलेगी। डॉक्टर बुगर क्या करते थे, पास्ट इलनेस की पूरी हिस्ट्री पूछते थे, और वो जो पास्ट इलनेस हुई थी, पुराने जो समय में जो बीमारी हुई थी, उस जितनी भी बीमारियां हुई, एक बताए पेशेंट, दो बताए, तीन बताए, उसकी पिक्यूलियरिटी ढूंढने की कोशिश करना। जैसे पेशेंट ने क्या बताया, मान लो वो कैंसर वाला पेशेंट आया और वो आपको बता रहा कि हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को ट्यूबरक्लोसिस हुई थी, मेरे को आज से 10 साल पहले, मेरे को आज से 20 साल पहले मेरे को ट्यूबरक्लोसिस हुई थी। ठीक है भाई, ट्यूबरक्लोसिस हुई थी, तो उस वक्त आपको क्या होता था भाई? आम सिम्टम तो आपको ट्यूबरक्लोसिस के मालूम है, क्या होता है आम सिम्टम ट्यूबरक्लोसिस के? क्रॉनिक कफ, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, फीवर, इमेशिएशन। लेकिन उसने क्या बताया मेरे को कि उस वक्त मेरे को दस्त बहुत होते थे, जब टीबी हुई थी तो मेरे को दस्त बहुत होते थे, और अगर आप अपनी रिपर्टरी में, चाहे सिंथेसिस रिपर्टरी में, चाहे कंप्लीट रिपर्टरी में, आप चैप्टर रेक्टम खोलें, रेक्टम के अंदर डायरिया खोलें, डायरिया के अंदर खोलें ट्यूबरक्लोसिस ड्यूरिंग, 12 रेमेडीज आर गिवन। बारह दवाएं दी हुई हैं, लेकिन डॉक्टर बोगर एक चीज और बोलते हैं, ध्यान रखना इस तरह के केसेस में, डॉक्टर बोगर एक चीज और बोलते हैं इस तरह के केसेस में, सुनो ध्यान से, कि याद रखना अपने दिमाग में ऐसा करते वक्त, हमेशा ये याद रखना कि जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने जो ये दिख रहा है ना, लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये पैथोलॉजी, लोकेशन, टाइप ऑफ पैथोलॉजी, यही डिसाइडिंग सिम्टम होगा। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट को, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, जो ये पैथोलॉजी लॉजी डेवलप हुई है, आपने देख लिया कि लोकेशन क्या है इसकी, यहां गाल पे, चीक पे है, और वो किस टाइप का है, ग्रोथ है गोभी टाइप की, कॉलीफ्लावर टाइप की। अब इतने जानकारी से जो ग्रुप ऑफ रेमेडीज आएंगी, जो दवाइयों का ग्रुप आएगा, उस दवाइयों को उसकी पास्ट इलनेस की पिक्यूलियरिटी से मैच कर देना, तो आमतौर पे आपका काम हो जाएगा। अब अगर कोई बड़ी पैथोलॉजी लेके आ गया आपके पास और कोई डेफिनेट सिम्टोमेटोलॉजी नहीं है आपके पास,
तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको एक गाइडेंस मालूम है कि ऐसे केसेस में मेरे को करना क्या है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर की सक्सेस इसी पे तो डिपेंड करती है कि उसके सामने जब सिचुएशंस आए तो उसको पता हो कि यार ऐसी सिचुएशन आई है और अब मुझे ये करना है। ठीक है, तो इस तरह के मासिव पैथोलॉजिकल केसेस में जहां पे गाइडिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स अवेलेबल नहीं हो, तो पास्ट हिस्ट्री एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है ट्रीटमेंट के लिए। समझ गए? अच्छा, एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। लोग बाग अपना अपना पैटर्न बनाते हैं कि हम किसी केस को अप्रोच करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। जैसे कि आप अगर प्रिडिक्टिव क्लासेस देखते हैं तो उनका अप्रोच करने का, उनका चीजों को देखने का तरीका ही डिफरेंट है, नजरिया ही डिफरेंट है। आपको क्या मेहनत करनी रहती है उसमें, वो नजरिया डेवलप करना पड़ता खुद के लिए। जैसे आप डॉक्टर राजन संग्रहन के ग्रुप के काम को देखेंगे, उनका जो अदर सॉन्ग जो ग्रुप है, द अदर सॉन्ग जो काम कर रहा है, उसमें देखना उनकी अप्रोच डिफरेंट है। पर उस नजरिए को, जिस नजरिए से वो देखते हैं, प्राप्त करने के लिए आपको उनकी स्टडीज को, जिसको भी आप करना चाहते हैं, बहुत डिवोट करना पड़ेगा जब तक वो आपके अंदर सहज डेवलप नहीं हो जाए। लेकिन उससे अच्छा, उससे बेहतर तरीका क्या है कि आपकी अपनी स्टाइल डेवलप हो जाए, और वो जब ही होगी जब आप बेसिक्स को फॉलो करोगे, फिर आप सब अप्रोच को इस्तेमाल कर पाओगे जब जरूरत होगी। तो मैं तुमको एक बड़ा अच्छा पैटर्न बताता हूं, जैसा कि केस को अप्रोच करते थे डॉक्टर पी संग्रहन, कैसे केस को अप्रोच करते थे। वो कहते हैं देखो, सिंपल स्टेप्स में बांट दिया, बहुत छोटी सी स्टेप में बांट दिया कि आदमी आया, अपनी प्रेजेंट कंप्लेंट बताया, अपन ने चुपचाप सुन लिया बिना उसको इंटरप्ट किए। ठीक, जब वो चुप हो गया, अब उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं रहा, अपने आप स्पॉन्टेनियस बताने के लिए हमने और पूछ लिया, हाँ और कुछ हो तो, और कुछ नहीं बता पाया। फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं डॉक्टर संग्रहन का, किस चीज की बोलते हैं, इसके बाद मैं कॉज को ट्रेस करने की कोशिश करता हूं कि कहीं से कोई ऐसा हुआ है क्या, आसपास या दूर रिमोट में ऐसा हुआ है क्या कि चाहे वो उसके बाद ये समस्याएं आई हो, चाहे किसी भी तरह का फिजिकल एक्सपोजर हो, चाहे किसी भी तरह का केमिकल एक्सपोजर हो, चाहे किसी भी तरह का मेंटल एक्सपोजर हो, कोई भी वजह हो सकती, उसको ढूंढने की मैं कोशिश करता हूं। ये कहा दूसरी बात। पहली बात क्या कही डॉक्टर पी संग्रहन ने, पहले तो मैं चुपचाप प्रेजेंट कंप्लेंट सुन लेता हूं। उसने आया, बताया, मान लो 2, 3, 4, 5, सर, घुटना, कंधा, पेट, ऐसे करके उसने 2, 3, 4 अपनी समस्याएं गिनाई, प्रेजेंट कंप्लेंट की, अभी मैं इस चीज से, तो सुन लिए। फिर क्या किया उनने, कॉज को ट्रेस करने की कोशिश किए, कॉज का पता लगाने की कोशिश किए, और उसके बाद जो वो अपनी कंप्लेंट्स दिया हुआ है, स्पॉन्टेनियस प्रेजेंट कंप्लेंट, उस एक एक कंप्लेंट के पास जाके क्रॉस करके उसको अच्छे से डिफाइन कर लेना, समझ लेना और उनको कंप्लीट कर लेना। कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज, कॉन्कोमिटेंट्स, मोड ऑफ ऑनसेट, ड्यूरेशन, ऐसे 6-7-8 तरीके हैं जिससे हम उसको, फिर वो कंप्लीट किए, जो उन्होंने प्रेजेंट कंप्लेंट बताई उसको कंप्लीट किए, उसके बाद क्या करें, ऐसी डिटेल्स जो उसने नहीं बताई है, अनटच्ड है, जिससे उसके जनरल्स निकल के आ सकते हैं, जैसे कि उसकी एपेटाइट के बारे में, थर्स्ट के बारे में, यूरिन के बारे में, स्टूल के बारे में, नींद के बारे में,
उसके स्वेट पसीने के बारे में, उसके जनरल रिएक्शंस के बारे में, कि उसके रिएक्शंस किसी खास चीज को लेके कुछ है क्या, कुछ भी रिएक्शन बता सकता है कि हाँ डॉक्टर साहब मैं ये चीज खाता हूं तो मेरे को ये दिक्कत हो जाती है, फलाने तरह के मैं एनवायरमेंट में जाता हूं या फलाने तरह के मौसम को एक्सपोज होता हूं, ये बदली छा जाती है तो ऐसा हो जाता है, कुछ भी बता सकता है पेशेंट, उसके जनरल रिएक्शंस हो गए, उसके मेंटल्स हो गए, फिर वो यहां इनके बारे में बात करते हैं। फिर अगली स्टेप उनकी क्या रहती है, रहती थी प्रीवियस हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट ट्रीटमेंट, इनके बारे में बात किया और आखिरी में उठ के फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया। अब यहां पे उन्होंने देखो, वैसे ये तरीका बड़ा साइंटिफिक है, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आया, आदमी अपने व्यवहार, विचार, अपने कैरेक्टर को लेके जल्दी और तुरंत कभी किसी के सामने नहीं खोलता। जो सीधे मेंटल्स पकड़ना चाहते हैं या माइंड में ये प्रेजुडिस लेके बैठे रहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल और कंफ्यूजन हो जाता है। देखो इतनी लंबी जब प्रोसेस हो जाती है कि आपने बहुत ध्यान से चुपचाप बिना डिस्टर्ब किए उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट सुन ली, कॉजेशंस पता लगाने की कोशिश कर ली, फिर उसके बाद जो उसने आपको बताया है उसी को आपने पूरा कंप्लीट किया, डिफाइन किया जो जो उसने बताया, ठीक, फिर उसके बाद जो डिटेल्स जनरल जिनसे निकल पाते हैं, एपेटाइट, स्टूल, यूरिन, स्लीप, स्वेट, इसके बारे में आपने बात कर ली, जनरल रिएक्शंस के बारे में बात कर ली, तो तब तक इतनी देर हो चुकी रहती है कि आपका और उसका एक संबंध, एक रैपर्ट क्रिएट हो जाता है। अब अगर आप कोई ऐसा तीर चलाओगे मेंटल स्टेट या कंडीशंस जानने के लिए, तो पेशेंट के खुलने और बताने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखें, मेंटल्स पे सबसे आखिरी में आए। अगर आप मेंटल स्टेट से कुछ अगर निकालना चाह रहे हैं तो सबसे आखिरी में आए। कब? जब पेशेंट से काफी बात आपकी हो चुकी हो, वो काफी उसको अच्छा लग रहा हो, उसको लगा हो कि भाई इतना ध्यान से तो कभी किसी ने सुना ही नहीं। मेरे पास कई पेशेंट आके रिएक्ट करते हैं जिनको एलोपैथी की आदत होती है, डॉक्टर साहब आज तक हमसे इतनी बात तो किसी ने की नहीं, इतना समय तो किसी ने दिया ही नहीं, इतना ध्यान से तो सुना ही नहीं, बस 2 मिनट का टाइम दिया, हाँ दर्द है, पेन किलर, फीवर है, एंटीबायोटिक, और उसको मैनेज करने के लिए एनाल्जेस, वो एंटासिड, समथिंग लाइक दैट, धड़ाधड़ हो गया काम। तो एक रैपर्ट डेवलप हो जाता है, पेशेंट का भरोसा डेवलप हो जाता है, और पेशेंट आखिरी में फिर मेंटल स्टेट के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो बताता है। और उन्होंने बोला सबसे लास्ट में फिर मैं क्या कर लेता हूं, पास्ट हिस्ट्री, पास्ट ट्रीटमेंट, फैमिली हिस्ट्री, और आखिरी में फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन को लेके, फिजिकल एग्जामिनेशन को लेके हमारे महान होम्योपैथ्स ने कहा है कि ये एक ऐसी चीज है फिजिकल एग्जामिनेशन जिसका सबसे ज्यादा होम्योपैथ्स जो हैं, क्या सुनो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि होम्योपैथ तुरंत होम्योपैथिक रेमेडीज और सिम्टम्स को पाने के लिए इतने ज्यादा इंपेशेंट और लालायित होते हैं कि वो इस बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। जबकि फिजिकल एग्जामिनेशन श्योर शॉट होता है, मान लो किसी को थिक नेल मिल गया, किसी का स्प्लिट नेल मिल गया, किसी के 2 मुहे बाल मिल गए, अब उसके लिए आपको कुछ अटकलें लगाने की जरूरत थोड़ी ना है, दिख ही रहा है। कितने वैल्यूएबल ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि डिफॉर्म्ड नेल, नाखूनों का आड़ा टेढ़ा होना, टूटना, नेल्स से रिलेटेड, नाखूनों से रिलेटेड कितना बड़ा चैप्टर है अपने पास, और कई दूसरी पैथिस में कई ऐसे भी हैं लोग बाग जो नाखून और बाल देख के ही सिर्फ इलाज करते हैं। जब आप देखोगे, ढूंढोगे, आप अपनी रिपर्टरी अगर खोलें,
तो आपको एक्सट्रीमिटीज में मिलेगा, एक्सट्रीमिटीज चैप्टर जो है आपका, उसमें मिलेगा नेल्स कंप्लेंट्स ऑफ। देखो कितने तरह के नाखून से रिलेटेड कितने तरह के लक्षण दिए हुए हैं। सी आलमंड शेप्ड नेल, कैसा बादाम के शेप का अगर नाखून हो, ट्यूबरकुलिनम रेमेडी। एट्रोफी ऑफ नेल, नाखून बड़े नहीं रहे, उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो गई, रुक गई, या एट्रोफी हो गई, उसका साइज जो है रिड्यूस हो गया। एट्रोफी मींस रिडक्शन इन साइज। सी साइलिशी एज ए सिंगल रेमेडी। ब्रिटल नेल्स, आसानी से टूट जाने वाले नेल, रिज्ड, ऐसे रिज बन गई हो ऐसे नेल, थिक नेल, डिफॉर्म्ड नेल, डिस्कलर्ड नेल, ड्राइनेस नेल, कितने इंपॉर्टेंट। ऑफेंसिव फुट स्वेट, फिजिकल एग्जामिनेशन में केलॉइड, वार्ट्स, सड़े हुए दांत, कैरियस टीथ, बाल्डनेस पैचेस, गंजे के जो पैचेस होते हैं गंजेपन के, कहीं पे भी टेंडरनेस, कहीं पे भी आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो कहीं हाथ लगाया और पेशेंट को जैसे ही आपने हाथ लगाया और उसने आ किया, कोल्डनेस ऑफ एनी पार्ट, किसी भी एक पार्ट का कोई ठंडानेस, कोल्डनेस, ठंडापन, स्वेट की कंडीशंस, लोकलाइज्ड, जनरल, ये बहुत फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको आ सकते हैं। और अपने जो स्किन का जो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया करते थे जो डॉक्टर्स लोग, उनका तो यहां तक का कहना है कि पर्टिकुलरली इन स्किन डिजीज, खास तौर से अगर कोई स्किन डिजीज वाला आपके पास आया, त्वचा रोग वाला आया, तो उनका ये कहना है कि हमने ये पाया है कि लोकेशन, किस लोकेशन पे, किस जगह पे आ रहा है और कैसा दिख रहा है अपीयरेंस ऑफ स्किन लीजन, ये बहुत वैल्यूबल होता है स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में। स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में किस जगह पे, किस लोकेशन पे आया है और वो दिख कैसा रहा है, ये बोले बहुत ही कीमती जानकारी होती है, खास तौर से स्किन डिजीज में। आप अपने केस में मान लीजिए आप केस ले रहे हैं, ध्यान दें, केस ले रहे हैं, बाय चांस आप अटके हुए हैं, कोई चीज निकल के नहीं आ पा रही है, आपके पास एक रेमेडी की तरफ इंडिकेशन नहीं आ रहा है और आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कभी आपके ऑब्जर्वेशन काम आ सकते हैं। बहुत कुछ नहीं तो टंग देख लें, कुछ नहीं तो टंग ही देख लें। अपने अनुभवी डॉक्टर्स ने क्या कहा है, द टंग कैन स्पीक अ लॉट, गिव ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, गजब की जानकारी दे सकती है। और अपनी रिपर्टरी में माउथ चैप्टर में टंग की कितनी कंडीशन दी हुई है, आप अपनी रिपर्टरी खोलें, आप अपनी रिपर्टरी खोलें, माउथ चैप्टर में खोलें डिस्कलरेशन टंग, सिर्फ कलर कितने तरह के कलर दिए हुए हैं, पीला कलर, येलोइश ब्राउन कलर, येलोइश रेड कलर, स्ट्राइप्स में पेस्ट जैसा कोटिंग हुई हुई है, पर्पल कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ब्लूइश हो गया, मतलब टंग से रिलेटेड आपको कितने सारे सिम्टम मिल जाएंगे। स्ट्रॉबेरी टंग, जबान निकाल के देखो तो कैसी दिख रही है, स्ट्रॉबेरी जैसी, क्यों दिखती है स्ट्रॉबेरी टंग,
वेरी गुड, उसके पेपीले जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, स्ट्रॉबेरी जैसी दिखती है। ऐसी कई चीजें, हाइपरट्रॉफी टंग, थिक टंग, कई में पेपीले ही नहीं दिख रहे, एकदम चिकनी और स्मूथ टंग दिख रही है। मैप्ड जबान देखे तो उसमें कोटिंग ऐसी है कि जैसे कोई नक्शा बना हुआ हो, मैप्ड टंग। ये कितने तरह से आपके फिजिकल एग्जामिनेशंस जो हैं ये आपके केस को खोल सकते हैं अगर आपका केस अटका हुआ है। सोचो आपके पास कितनी सारी जानकारी है अभी इन लेक्चर्स को सुनने के बाद कि आप कितने तरीके से अपने बंद केस को खोलने का अप्रोच लगा सकते हैं। ये नहीं तो वो, वो नहीं तो वो, वो नहीं तो वो। ठीक है, तो कभी अगर आप अटके हुए हो तो एक बार उठ के पेशेंट के कान नाक गला इन सब चीजों का थोड़ा सा एक बार मुंह को खुलवा के, जबान का, नाखूनों का, हाँ नाखून दिखाइए, ये दिखाइए, ऐसे करके एग्जामिनेशन कर सकते हैं आप। कहीं स्किन में कुछ और है कि हाँ हाँ वो एक इधर, डॉक्टर साहब मेरी गर्दन के पास ना बहुत सारे मस्से हो रहे हैं। कई बार मेरे केस अटके हुए हैं और पेशेंट ने इतना बोला कि मेरी गर्दन के पास बहुत सारे मस्से हो रहे हैं। और कहीं हो रहे हैं? नहीं सर, ये पूरे गर्दन गर्दन के पास ही हो रहे हैं। और आपके पास रूब्रिक है, क्या है? वार्ट्स, बैक चैप्टर में वार्ट्स सर्वाइकल रीजन। बैक चैप्टर जो है उसमें है वार्ट्स सर्वाइकल रीजन। कंप्लीट रिपर्टरी में 3 रेमेडी दी हुई है, सिंथेसिस रिपर्टरी में 8 रेमेडी दी हुई है। और उसमें भी अगर वो सिर्फ ये बोल दे कि ये सिर्फ यही यही हो रहा है पीछे, गर्दन में भी इधर उधर कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ यही पीछे हो रहा है नेप ऑफ नेक में, तो एक ही रेमेडी है, नाइट्रिक एसिड। सी कैसे आपके अटके हुए केसेस निकल सकते हैं, या आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़े। तो जब सब चीजें हो जाएं, काफी टाइम हो गए बातचीत करते हुए, सारे अपन ने उसके सिम्टम्स सुन लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन तक कर डाला, तब अनुभवी होम्योपैथ्स का यह अनुभव रहा है कि तब मेंटल सिम्टम्स पे आप फोकस करें। मेंटल्स के थ्रू अगर आप अपने केस को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सबसे आखिरी में जब पेशेंट और आपके बीच में एक संबंध डेवलप हो गया हो, खुल गए हो, इतनी देर में आपने इतनी सारी चीजें उससे पूछ डाली, इतने तरीके से अप्रोच लगा ली कि उसको बिल्कुल लग जाता है कि आपका एक कनेक्शन हो गया, तब ठीक। तो अब अपन बात करेंगे, पहले बात कर चुका हूं, लेकिन अब मेंटल सिम्टम्स निकालते वक्त जब आप मेंटल सिम्टम्स को अप्रोच करने जाए पेशेंट की, तो किस प्रकार से करें उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहली बात तो याद रख लेना कि मेंटल सिम्टम्स के बारे में आप तब बात करें जब आप पूरे उसके सिम्टम्स सुन चुके हों, कॉजिशंस वगैरह, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री वगैरह, उसके जनरल्स, उसके पर्टिकुलर्स, उसके जनरल रिएक्शंस सब कर चुके हो, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर चुके हो, तब आखिरी में अप्रोच करना जब आपकी और उसका रैपर्ट डेवलप हो गया हो। क्या होता है रैपोर्ट डेवलप होना? एक घनिष्ठता बन गई हो आप लोग के बीच में, आप किसी से आधा पौन घंटा बात कर लिए और इंटरेस्ट लेके उसकी समस्याओं के बारे में किसी से भी, अगर कोई, सुनो कैसे घनिष्ठता डेवलप होती है हमारी, कोई व्यक्ति अगर समस्या में है किसी भी प्रकार की परेशानी में,
अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस एंड दिस और ट्रीटमेंट और डिजीज, सामान्यता भी अगर आप किसी को अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं और वो बहुत ध्यान से सुन रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, दिलचस्पी से, बहुत दिलचस्पी से और बड़े काइंडनेस से सुन रहा है, दिलचस्पी ले रहा है, तो फिर आप भी खुद एक घनिष्ठता महसूस करोगे उससे। ये घनिष्ठता जब आपकी डेवलप हो गई, एक ताल्लुक कायम हो गया जब आपके बीच में, तब आखिरी में मेंटल सिम्टम्स को अप्रोच करें। ये एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेंटल सिम्टम्स के निकालने के लिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और एक वो अंधेरे में तीर कैसे दागते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक। कई बार, और आपको इतना अलर्ट रहना है कि कई बार अनजाने में ही बात करते करते पेशेंट अपना कुछ इमोशनल डिस्टरबेंस या इमोशनली डिस्टर्ब्ड स्टेट के बारे में बता जाता है, बोल जाता है, तो वो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि पेशेंट कई बार ऐसी अनजाने में लापरवाही में बात करते करते कोई ऐसी बात बोल जाता है, या कभी उसकी आवाज में कुछ फर्क आ गया बात करते करते, किसी आपने खास चीज के बारे में बात छेड़ी, अभी अच्छे से वो आपके बात कर रहा, अच्छा 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 अच्छे से बात कर रहा, और अचानक आपने बोला और आपके माता पिता से कैसे संबंध है, आपने अगर मान लो उसका डोमेस्टिक जानना चाह रहे हो कि डोमेस्टिक कंडीशन और माता पिता से कैसे संबंध है, तो एकदम से उसका गला रुंध गया, आवाज डाउन हो गई, क्यों क्या हो गया, उन्होंने पूछा, नहीं वो क्या है कि मेरी माता जी 3 साल पहले नहीं रही, मैं उनसे बहुत जुड़ाव महसूस करता था, बहुत ज्यादा उनसे मेरे को मोहब्बत थी, अटैचमेंट था, वो चली गई, उसके बाद से मेरे को ये घबराहट या इस तरह की चीज या बेचैनी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब एक एक महत्वपूर्ण कॉजिशन आपके हाथ में आ सकता है, वो भी मेंटल, कि एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, किसी प्रिय की मृत्यु हो जाने के बाद होने वाली दिक्कत, किसी प्रिय की जिससे अपन मोहब्बत करते हैं, कोई अपने सगे संबंधी, उसकी मौत हो जाने के बाद अगर कोई दिक्कत पैदा हुई है, ये कारण भी अपनी रिपर्टरी में दिया हुआ है। ये अचानक अच्छा खासा हुआ बात करता हुआ व्यक्ति, अचानक कोई आपने बात कही और वो फूट फूट के रोने लग जाए, मतलब आपने तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि कोई ऐसी मेंटल सोर स्पॉट, कोई ऐसे मानसिक घाव को हमने छू दिया है जिससे कि उसको तकलीफ हो गई। कभी कभी क्या होता है, आप पूछते हो तो आपको एहसास होता है कि पेशेंट जो है इस सवाल का जवाब देना अवॉइड कर रहा है, वो अवॉइड करके किसी दूसरी चीज के बारे में बात करने लगा, या अचानक से झिझका, वो कोई बात आपने पूछी या गोलमोल संदिग्ध जवाब दे रहा है, या सुनो नीचे देखने लग गया अचानक, या इधर उधर देखने लग गया जवाब देते टाइम, तो आप समझ जाना कि ये सारी हरकतें ये इंडिकेट करती हैं, ये बताती हैं कि ये कुछ छुपा रहा है। समझे, याद रखना, बहुत मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात करते वक्त, उनको निकालते वक्त बहुत जबरदस्त टैक्ट, बहुत अनुभव और ग्रेट पेशेंस की, जबरदस्त सब्र की जरूरत होती, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज होगी कि अभी आप लोग यंग हैं, नए हैं प्रैक्टिसेस में, कंपैरेटिवली किसी को 1.5 साल हो रहा प्रैक्टिस, किसी को 3 साल हो रहा प्रैक्टिस करते हुए है, तो उतना अनुभव के वेट करने की बजाय हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स अनुभव छोड़ गए हैं उनको तो काम में लेना चालू करो,
उनको तो इस्तेमाल करके देखो कि भैया सामने वाला झूठ बोल के गया कि सच बोल के गया है। प्रयोग करोगे तब तो पता चल जाएगा ना आपको। और मेंटल सिम्टम्स होते क्या हैं जिनको हमको लेना है, वो होते क्या है? कुछ नहीं, डिजीज के साथ अगर पेशेंट की पर्सनालिटी में या उसके टेम्परामेंट, उसके मूड में अगर कोई चेंज आ गया हो, और आपकी रिपर्टरी भरी पड़ी है ऐसे सिम्टम्स से, ऐसे कारणों से कि किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया, किसी ने बुरा बर्ताव कर दिया, तो एक मेरे पास एक लेडी आई थी, बहुत बीमार रहती थी वो, कई जगह इलाज करा चुकी थी वो, उसको कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। और उसका ये था कि उसका हस्बैंड आता था, शराब पीता था और खूब मारता था, खूब गालियां देता था, जरूरत की चीजों के लिए पैसे नहीं देता था। बस एक ही चीज समझ में आई कि एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड फिजिकली, कार्सिनोसिन, और वो ठीक हो गई। जब वो एक महीने बाद आई तो बोली कि मेरे को सब चीजों में आराम लग गया। सी कितना इंपॉर्टेंट हुआ। तो याद रखना, मेंटल सिम्टम्स बहुत अगर सही मिल गए और आप निकाल पाए ना, तो बहुत डोमिनेंट होते हैं मेडिसिन सिमिलिवम के सिलेक्शन में। इसलिए इसमें सावधानी बरतना। कहीं पे भी आपको भी अगर ऐसा महसूस हो जाए कि मैं खुद डाउटफुल हूं कि जो ये कह रहा है, मैं इस चीज को वैसी समझ पा रहा हूं कि नहीं, अगर आपके मन में भी इतना सा भी डाउट फैक्टर होना, तो उसको अंडर कंसिडरेशन लेना ही नहीं, यूज ही नहीं करना टोटैलिटी बनाते हुए। इतना सा भी अगर आपको इस बात का एहसास हो कि हो सकता है यार कि ये चीज मैं गलत समझ रहा हूं, और कई बार जब इतना सुनो, और एक तरीका बता देता हूं, एक तो अंधेरे में तीर चलाने वाला तरीका, और एक और तरीका है, इतनी सब बात करने के बाद जब आपका एक रैपर डेवलप हो गया पेशेंट से, एक ताल्लुक कायम हो गया, एक घनिष्ठता बन गई आपके पेशेंट से, तो कई बार आप देखते हो कि पेशेंट, मेरे कई पेशेंट, और घर का सब ठीक है, तो घर की बात सुनते ही सामने वाली लेडी का चेहरा उतर गया, हस्बैंड वगैरह से सब ठीक है, तो क्या क्या हुआ, आप एकदम से उदास क्यों हो गई? नहीं, रहने दीजिए डॉक्टर साहब, नहीं नहीं बताइए ना, कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं 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 कुछ नहीं, आप तो मेरे को बस ये जो मेरे को रूमेटिज्म हो रहा है, मेरा विटामिन डी की कमी हो गई है, डॉक्टर ने बताया है, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो रही है, आप तो खाली इसकी दवा दे दीजिए, रहन दीजिए। तो क्या करता है पेशेंट, कई बार छुपाने की कोशिश करता है, इस तरीके से भी, एक तो छुपा रहा है, आपको उसकी हरकतों से पता चले, इधर उधर देख रहा है, नीचे देखने लग गया, अवॉइड करने की कोशिश करने लग गया, और एक इस तरीके से, या मना कर देता, नहीं डॉक्टर साहब मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, तब आपको ये समझ में आना जाने चाहिए कि जिंदगी में किसी ऐसे दुखद अनुभव से, ट्रेजिक एपिसोड से गुजरा है, या कोई वो ऐसी बात है जो वो इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि उसको शर्म नहीं आएगी कि यार देखो ये कैसे लोग हैं, शेम वाली बात हो, तब ऐसी कंडीशन में मेरे को डॉक्टर पी संकरण का तरीका बहुत अच्छा लगता है, जो मैं प्रयोग करता हूं और अक्सर सफल भी होता हूं, कि उसको एक्सप्लेन करता हूं, उसको पेशेंट को बताता हूं कि जितना तुमको ये लग रहा है ना छुपाना है,
छुपाने वाला कि ये मैं नहीं बताऊंगा, हमारे लिए वो सिम्टम उतना ही ज्यादा जरूरी है आपको ठीक करने के लिए, आपकी सही दवा ढूंढने के लिए उतना ही जरूरी है। तो ज्यादातर समय में या करीब करीब हमेशा ही पेशेंट कोऑपरेटिव हो जाता है। एक गलती होम्योपैथिक डॉक्टर्स क्या सारे लोग ही करते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी करते हैं, जो डॉक्टर नहीं है आम आदमी भी करते हैं। एक जनरल प्रवृत्ति होती है इंसान की, जनरल टेंडेंसी होती है ये समझने की, यार ये नहीं समझेगा, ये इसको कहां समझ में आएगा। ये इंसान की जनरल टेंडेंसी होती है, और ये टेंडेंसी रॉन्ग टेंडेंसी है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। जिसने मुझे बनाया है उसने उसे भी बनाया है, तो हमको उसकी इंडिविजुअलिटी की इज्जत करनी। इस एक बहुत बड़े ब्रह्मांड के चक्र में एक मेरा काम है जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है, तो उसको भी दिया है। सोचो कोई अगर दुकानदार नहीं बनना चाहे किराने की, तो आप कितने परेशान हो जाएंगे। कोई मोची का काम नहीं करना चाहे तो आप कितने परेशान हो जाएंगे। सो मेरी एक राय है आपको, मैं पर्सनल राय दे रहा हूं अपने अनुभव के हिसाब से, कि अगर आप अपने पेशेंट से बहुत अच्छे तरीके से चीजें निकालना चाहते हो, सिम्टम्स निकालना चाहते हो, तो उसके प्रति मन में उसकी इंडिविजुअलिटी के प्रति रेस्पेक्ट रखना। उसको मूर्ख मत समझना, या ये क्या समझेगा, इसको क्या समझता, ये नहीं समझना। जब आप अपना ऐसा मेंटल एटीट्यूड रखते हो, मैंने इस चीज को प्रयोग किया है और जानता हूं, जब आप अपना एटीट्यूड रखते हो आप मानव मात्र की इज्जत करते हो कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। होगा किसी भी लेवल से, लेकिन ब्रेन उसके पास उतना ही है। कई बार किसी भोले भाले व्यक्ति को देख के अहंकारी लोग ये समझ बैठते हैं, यार ये इस तरह के लोग, इस तरह के लोगों को तो दुनिया नोच खाएगी, ये कैसे चलाएंगे अपनी जिंदगी। लेकिन अगर आप ये जाके देखो तो वो व्यक्ति भी बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, अपने बीवी बच्चे पाल रहा होता है, क्योंकि सबको चलाने वाला ऊपर वाला है। अहंकारी आदमी ये समझता है कि ये कहां कर पाएंगे जो मैं कर रहा हूं, ये कहां समझ पाएंगे जो मैं समझ रहा हूं। आपको इन लेक्चर से बेनिफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पूरे वक्त ये मेंटल स्टेट रख के बात कर रहा हूं कि मैं जिनको भी बता रहा हूं मैं उनकी रेस्पेक्ट कर रहा हूं, उनकी इंटेलिजेंस की रेस्पेक्ट कर रहा हूं। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग इट। तो सोचो कितना अच्छा, जब आप ये एटीट्यूड रख के अपने पेशेंट से बात करोगे तो कितनी घनिष्ठता, कितना अच्छा ताल्लुक, कितना अच्छा रैपर डेवलप होगा आपके अंदर, कि वो मेरे पेशेंट इतने अच्छे से बताते हैं खुल के, बिल्कुल घर के मेंबर टाइप, सिर्फ इसी एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि मैं किसी को मूर्ख नहीं समझता, चाहे वो किसी भी लेवल से आया, चाहे वो किसी भी स्तर का आया, एज ए ह्यूमन बींग वो मेरे बराबरी का ही है। सो ऑलवेज रेस्पेक्ट अदर ह्यूमन बींग। आप देखेंगे खाली आपकी प्रैक्टिस में ही नहीं, आपके जीवन में भी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक, तो एक तरीका यह है कि उसको समझाओ भाई, अगर आपको ऐसा लगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम या ज्यादातर पेशेंट कोऑपरेट करने लग जाता है। ये तो उसको लगता है यार क्या, मैं सरदर्द के बारे में बात कर रहा हूं और ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी से संबंध कैसे है। या तो पेशेंट तो आपको बोल भी देता है, अरे वो तो आप वो सब छोड़ो, आप तो खाली सरदर्द पे ध्यान दो, तो उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। पहले कभी कोई ट्रीटमेंट अगर पेशेंट ने लिया हुआ है, उस ट्रीटमेंट को लेने के बाद उसके अंदर क्या रिजल्ट्स,
तो पहले कभी अगर पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट करवाया है, वो ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको उससे क्या फायदा हुआ या उसके रिजल्ट्स क्या है इंक्लूडिंग सर्जरी, उसको भी बहुत केयरफुली रिकॉर्ड कर लेना, पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है कि जो नेचुरल इवोल्यूशन हो रहा हो डिजीज का, बैठने को बोल दो उसको, जो नेचुरल इवोल्यूशन हो रहा है जो डिजीज का, उसको सप्रेस कर दिया गया हो। आ गई कोई पेशेंट आपके पास ऐसी जो हिस्टरेक्टमी हो चुकी, क्यों हुई थी हिस्टरेक्टमी, 3-5 साल पहले हिस्टरेक्टमी हो गई, क्यों हुई, क्योंकि उसको फाइब्रॉइड्स हो गए थे। तो नेचुरल इवोल्यूशन हो रहा था जो डिजीज का, वो सप्रेस हो गया, कई प्रॉब्लम्स उसके बाद से शुरू हो चुकी रहती हैं। और एक और भी जरूरी चीज जो आप आसानी से आजकल जान सकते हैं कि उसने जो भी ट्रीटमेंट, जो भी दवाएं वो लेके आया है, उसने कुछ और ऐड कर दिया क्या उसके अंदर। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट लेने से पहले तो सिर्फ यही होता था, ट्रीटमेंट लेने के बाद ये चीज तो ठीक हो गई, ये चीज बनी हुई है वैसी, लेकिन ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद एक ये नई चीज और चालू हो गई, और आप तुरंत गूगल में डाल के या जिसमें भी डाल के आप वो जो दवा ले रहा था देख सकते हैं कि उसकी पैथोजेनेसिस में, वो उस ड्रग की पैथोजेनेसिस में वो सिम्टम है क्या, क्योंकि कोई चीज, अगर आप कोई भी चीज लंबे समय तक लो तो वो अपनी पैथोजेनेसिस देने लग जाती है आपकी बॉडी में, समझ गए मेरी बात, कोई भी चीज लंबे समय तक देने लगो तो। और एक बहुत वैल्यूबल एडवाइस, एक बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही कीमती एडवाइस, कि जिन सिम्टम्स पे आप, अब आप फाइनल हो चुके कि मैं इवेल्युएट कर चुका हूं, केस टेकिंग अच्छे से हो गई है, इवेल्युएट कर चुका हूं, कंप्लीट कर चुका हूं, तो जिन सिम्टम्स को आप स्ट्रांगली लेने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन बनाने में, उनको अलग अलग तरीकों से, एक दो और तरीकों से और पूछ लो, रिपीट कर लो कि पेशेंट ने जो ओरिजिनल आंसर दिया था वो उस पर स्टिक कर रहा है, उस पर कायम है, कि उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। आखिरी में एक चीज और ये कर लो जिससे कि बचा कुचा कचरा भी झड़ जाएगा। और अगर पेशेंट ने दोबारा भी उस चीज को वैसे ही रिपीट कर दिया तो फिर वो अंडरलाइन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, या कोई मोडेलिटी को उसने और इम्फेसिस से और जोर से बता दिया तो वो आपके लिए बहुत अंडरलाइन वाली इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक, तो हमारी जो केस टेकिंग होती है वो इतनी पर्सनल होती है, इतनी आत्मीय हो जाती है, इतनी पर्सनल हो जाती है, और पेशेंट की इतनी सारी सफरिंग्स को, वो एलोपैथ के पास जाता सरदर्द के लिए तो क्या बताता, सिर्फ सरदर्द ही बताता ना, वो एलोपैथ को बता सकता है कि मेरे को कब्ज भी होता है, मेरे को घबराहट भी होती है, मेरे को बेचैनी भी होती है, मेरे को सर्दी के मौसम में खांसी हो जाती है, मेरे को गर्मी के मौसम में दस्त हो जाते हैं, कहां बात करेगा ये सब, क्यों, फॉर एलोपैथ इट इज ऑफ नो यूज। एक्चुअली एलोपैथी इज इमरजेंसी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इमरजेंसी में काम आना उसको, जान बचाने के काम आना उसको, वो क्यूरेटिव सिस्टम है ही नहीं ना। तो हमारी केस टेकिंग इतनी आत्मीय होती है, बन जाती है, इतनी पर्सनल हो जाती है, पेशेंट्स की इतनी सारी सफरिंग, इतनी सारी तकलीफों को कवर करती है, और इतना आप केयरफुली, इतना ध्यान से, इतना सिंपैथेटिक रूप से बैठ के चुपचाप सुनते हैं एक तरीके से पेशेंट का साइकोलॉजिकल एलिमिनेशन हो जाता है, रेचन हो जाता है, ग्रेट रिलीफ।
साइकोलॉजिकल वेंटिलेशन की प्रोसेस कहा जाता है उसको। और आप ये समझना, बड़े बड़े होम्योपैथ ने बताया है कि आपकी केस टेकिंग अच्छी हो गई, ये पेशेंट आपको बताता है। कैसे बताता है कि हम सक्सेसफुल रहे केस टेकिंग में, कि पेशेंट आखिरी में ये कहता है कि डॉक्टर साहब अब आपसे बात करने के बाद मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, या मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, या कई मेरे पेशेंट ने ऐसा कहा कि डॉक्टर साहब अब मुझे वो डॉक्टर मिला है जिसकी मुझे तलाश थी, बाकी तो लोग सुनने तैयार नहीं, समझने तैयार नहीं। ठीक, तो आज ये आखिरी बात करके मैं केस टेकिंग का चैप्टर, केस टेकिंग के लेक्चर खत्म कर रहा हूं कि वे लोग जो सिंसियरली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और जो और गहराई से जिनकी ये इच्छा है, जिनकी डिजायर है कि वो केस टेकिंग को पढ़ें सिस्टमेटिकली डिटेल में, तो कुछ डॉक्टर्स और उनकी बुक्स के नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। डॉक्टर सी एम बोगर की है स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका एंड केस टेकिंग। ये लेक्चर्स तो आपके पास रहेंगे ना, सुन के घर में लिख लेना, अभी मत लिखो। डॉक्टर सी एम बोगर की स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका एंड केस टेकिंग, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस की जो जीनियस ऑफ होम्योपैथी है उसमें केस टेकिंग से संबंधित चैप्टर्स, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस की जो जीनियस होम्योपैथी बुक है उसके केस टेकिंग से संबंधित चैप्टर, डॉक्टर जेम्स टेलर केंट की जो है लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी उसमें केस टेकिंग से संबंधित चैप्टर, डॉक्टर जेटी केंट की ही, डॉक्टर केंट की एक राइटिंग है व्हाट डॉक्टर नीड्स टू नो, एक डॉक्टर को क्या जानने की जरूरत होती है। ये डॉक्टर एक बहुत बेहतरीन और बड़े डॉक्टर हुए अपने यहां, डॉक्टर ई बी नैश, उनकी लिटरेचर है हाउ टू टेक द केस। डॉक्टर एच ए रॉबर्ट की द प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ हीलिंग जो है उसमें केस टेकिंग से संबंधित चैप्टर्स, डॉक्टर पियरे स्मिथ जो है उनकी है द आर्ट ऑफ इंटरोगेशन, इन्हीं डॉक्टर पियरे स्मिथ की है द आर्ट ऑफ केस टेकिंग, और डॉक्टर एलिजाबेथ राइट जो हुई है उनकी एक बुक है अ ब्रीफ स्टडी कोर्स इन होम्योपैथी। ये सब लिटरेचर अगर आप और सिस्टमेटिकली और डेप्थ में और डिटेल में और अपने फॉर्मेट को इनरिच करना चाहते हैं, केस टेकिंग के मास्टर और होना चाहते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा आप स्टडी कर लें। ठीक है, सो केस टेकिंग इज टुडे, केस टेकिंग लेक्चर इज फिनिश्ड।